देखिए फिर सवाल देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि ये वाली हाइट कितनी है। तो ये वाली हाइट जो भी हमें नहीं पता है, हम तो मान लेते हैं कि ये हाइट जो है ये वाली, इसको मैंने x मान लिया, तो ये वाली अपने आप 7-x हो जाएगी। कुल मिला के हमें x निकालना है। तो अब इसमें जैसे ये चीज तैर रही है और दो लिक्विड की वजह से तैर रही है, तो दोनों का बायोन्सी लगेगा। टोटल 10 था ना यहां से यहां तक, ये 3 है, 10 ही तो था, 10 सेंटीमीटर था ना टोटल, ये 3 था और ये x है, तो ये 7-x हो जाएगा ना, टोटल 10 था। तो अभी देखें जरा ध्यान से, इधर आ जाए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अभी इस पे इसका वेट लगेगा और दोनों लिक्विड्स की बायोन्सी लगेगी, mg इज इक्वल टू b1 प्लस b2। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो वेट आएगा, इस सिलेंडर का जो वेट आएगा वो बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। इसकी डेंसिटी इन्होंने दे रखी 1.5, इसका वॉल्यूम जो होगा वो 10 इंटू ए हो जाएगा। बेस एरिया अगर मैं ए मान लूं और हाइट इसकी 10 के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू ए इंटू जी, ये हो जाएगा b1 प्लस b2। छोटे वाले लिक्विड के अंदर जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो हो जाएगा बेस एरिया इंटू एक्स, ये तो वॉल्यूम सबमर्ज हो गया, इसके अंदर बेस एरिया जो भी इसका बेस एरिया इंटू ऊंचाई, ये वॉल्यूम सबमर्ज हो गया। इसकी डेंसिटी कितनी रखी 3 इंटू जी, और इसका जो आएगा इसके अंदर जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, इसके अंदर जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो होगा बेस एरिया इंटू 3। हाँ, इसकी डेंसिटी 2 दे रखी शायद, इंटू 2 इंटू जी। काट पीट करेंगे तो ए और जी सारे चले जाएंगे, ए जी चला गया, ए जी चला गया। अब बचा अपने पास 1.5 इंटू 10 जो आ गया वो 15 आ गया, और इधर ये कितना है 3x प्लस 6, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू 3 आ गई और ये x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, चार मिनट के बराबर आ जाएगा। फिर से सुने, इसमें क्या है, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ दोनों लिक्विड्स की बायोन्सी लग रही होगी, तो दोनों लिक्विड की जो बायोन्सी है वो अगर मैं लिखूंगा तो मास तो टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इसकी 1.5 थी सॉलिड की, और फिर एक की बायोन्सी लिखी, दूसरे की बायोन्सी लिखी, सॉल्व किया तो 3 आ गया। ठीक है, कोई इसमें डाउट, किसी को डाउट नहीं आ रहा है? एक बहुत बड़ा इसके अंदर, हाँ, अब इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, जो आना चाहिए, मतलब किसी भी बच्चे के दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि भाई ये वाला जो लिक्विड है ये तो फोर्स इसके ऊपर 0 लगा रहा है, कैसे, जितना इधर से लगा रहा है उतना इधर से लगा रहा है, तो ये तो 0 फोर्स लगा रहा है, फिर हमने इसकी बायोन्सी क्यों लिखी? तो होता क्या है कि ये इधर से इधर फोर्स तो नहीं लगा रहा है, लेकिन इसका जो लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ेगा वो तो यहां भी आएगा ना, ये जो कॉलम है उसकी वजह से जो भी रो जी एच के बराबर प्रेशर होगा वो यहां पर आएगा, उसका जो फोर्स आएगा वो बायोन्सी के बराबर आएगा। भाई इसके कारण इसका जितना भी प्रेशर है उस प्रेशर को आप इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो बायोन्सी के बराबर आ जाएगा। तो भले ही ये लिक्विड बायो, अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है सिलेंडर पे, तो उसका आंसर 0 होता, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जब बायोन्सी लिखेंगे तो बायोन्सी इसकी भी लिखेंगे और इसकी भी लिखेंगे, इसके कारण क्या हो रहा है, जो प्रेशर बढ़ रहा है वो यहाँ एक्ट तो करेगा ही करेगा। तो जब आप इक्वेशन कैलकुलेशन से करोगे तो उसके अंदर उसकी बायोन्सी भी आप लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, आर्किमिडीज का नियम जो है ये पढ़ने जा रहे हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कुछ नई बात नहीं है, जो हम लोगों ने बायोन्सी पढ़ी है ना उसी बायोन्सी को एक अलग तरह से डिफाइन करता है, इसके अंदर कोई नयापन नहीं है। हम ना भी पढ़ें और बायोन्सी अकेले पढ़ के आगे निकल जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन चूंकि बायोन्सी के बारे में और अब थ्रस्ट के बारे में जो पहली जानकारी आई थी वो आर्किमिडीज की तरफ से आई थी, इसलिए आर्किमिडीज का नाम लेना जरूरी है, मतलब इनको इज्जत देने के लिए भी हम लोग ये नियम पढ़ते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, उसकी पहली बात तो कहानी जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं एक बार सुना देता हूं, तुम लोगों को सुननी होगी, फिर से सुना देता हूं। आर्किमिडीज की कहानी ये थी कि आर्किमिडीज जिस राजा के दरबार में काम करते थे, तो राजा के दरबार में कोई एक सोने का व्यापारी आया, सोने का व्यापारी जिसको सुनार कहते हैं हम लोग, तो वो व्यापारी आया और उसने राजा को एक बहुत अच्छा कोई सोने का आभूषण दिया, शायद वो कोई मुकुट था, सोने का बहुत अच्छा मुकुट था। तो राजा को मुकुट सोने का बहुत ज्यादा पसंद आ गया और राजा एकदम खुश हो गए और उसको खूब इनाम देने लगे। और अच्छा, राजा लोग थोड़ा शक्की टाइप के हुआ करते थे, उनको हर बात पे शक हो जाता था कि ये कुछ प्रॉब्लम है। तो राजा ने मुकुट लिया और फिर मुकुट जो है उसको थोड़ा सा राजा को ऐसा लगा कि शायद ये नकली तो नहीं है, तो अब राजा इस बात का पता लगाना चाहते थे कि ये मुकुट असली है या नकली है। प्रॉब्लम क्या थी, मुकुट को पिघला देते,
तो पिघलाने के बाद तो उस समय टेक्निक ऐसी थी कि पिघला देते थे तो सोना नीचे आ जाता था और जो इम्प्योरिटीज थी वो ऊपर आ जाती थी, तो पिघला के तो पता चल सकता था कि ये असली या नकली, लेकिन पिघला देते तो फिर वैसा बन पाता कि नहीं बन पाता ये तो मतलब था नहीं उनको। तो वो चाहते थे कि बिना मेल्ट किए कोई ये बता दे कि ये मुकुट असली है या नकली बिना पिघलाए हुए, पिघला के तो कोई भी बता देगा। तो अब इसके लिए काफी जो है मतलब चर्चा की गई, लोगों ने खूब ज्यादा बातचीत करी। तो आर्किमिडीज जो थे उस समय उस राजा के दरबार में थे और उस समय जो है वो मतलब फिलोसफर वर्ड उनके लिए उचित था, पहले साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, फिलोसफर होते थे। फिलोसफर का मतलब जो जीवन की जो समस्याएं होती है अलग टाइप से जो एक्सप्लेन करते हैं उनको फिलोसफर कहते हैं। जैसे आप लोगों के बीच में भी कोई फिर कुछ फिलोसफर होते हैं बच्चे जो कुछ अलग ही बात बता देते हैं, अलग ही एंगल से देख लेते हैं, ठीक है कि तो उसको फिलोसफी कहते हैं। जैसे एक मूवी आई थी ना वो थ्री इडियट्स, तो उसमें वो उसमें जो रैंचो करके था तो वो अलग ही फिलॉसफी उसकी हर चीज की रहती थी, तो वो फिलॉसफर उसी को कहते हैं जो अलग तरह से, तो वो फिलॉसफर थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई इस समस्या का समाधान आप बताओ, तो काफी उन्होंने खोजबीन करी और जितना भी उनके पास नॉलेज था सब पता लगाया लेकिन उनको मिला नहीं। फिर वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ कुछ तराजू ले लिया, तौलते रहे, देखते रहे, कुछ कुछ करते रहते थे। करते 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 एक बार ऐसा बताते कि नहा रहे थे और नहाते समय एकदम से उनके दिमाग में ये मतलब नहाते समय उनको लगा कि एकदम से पता चल गया कि मुकुट असली या नकली, इसका पता चल जाएगा। और ये वो इतना ज्यादा खुश हो गए इस बात को लेके कि जिस हालत में थे उसी हालत में भागे वहां से राजा के दरबार की तरफ यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। यूरेका वर्ड का मतलब होता है मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया, मैं पा गया इसको। तो अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, क्या था आर्किमिडीज का नियम, ये मैं बताता हूं। आर्किमिडीज ने बताया कि जब भी किसी बॉडी को हम पानी में या किसी भी लिक्विड में फुली या पार्शियली इमर्स करते हैं, पूरा डुबो दे या आधा डुबो दे, तो उसके भार में कमी आती है। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे उसका भार पहले था mg, अब अगर मैं उसको डुबाऊंगा तो उसके ऊपर एक बायोंसी लगने लगेगा, तो अब उसका जो भार होगा वो mg माइनस b हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं बायोंसी के कंसेप्ट से, हम लोग जानते हैं। तो जब हमने इसको डुबोया तो पहले भार था mg, अभी भार हो गया mg माइनस b, तो भार में कमी कितनी आई, b के बराबर। जैसे मान लो पहले 200 न्यूटन था, अब 150 न्यूटन हो गया, तो 50 न्यूटन की कमी आई। तो जब भी किसी बॉडी को, आर्किमिडीज ने बताया कि जब भी किसी बॉडी को किसी भी लिक्विड में पूरा या आधा मतलब पूरा फुली या पार्शियली इमर्स करते हैं तो उसके वेट में लॉस होता है, और ये वेट का लॉस होता है ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ये जो भी भार में कमी आती है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट क्या होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट क्या होगा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। कैसे, जितना आप लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही डूबेगा। भाई मैं अपना हाथ डूबूंगा तो जितना डिस्प्लेस होगा उतना ही तो डूबेगा ना। तो डिस्प्लेस लिक्विड बोलो या वॉल्यूम सबमर्ज बोलो एक ही बात है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है ठीक है इंटू जी, ये बायोंसी आता था। तो इसी चीज को उन्होंने बोला था। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी बॉडी को फुली या पार्शियली हम किसी भी लिक्विड में या फ्लूड में इमर्स करते हैं तो उसके भार में कमी आती है, ये भार में कमी डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का नियम था। कैसे इन्होंने ये नियम तक पहुंचे होंगे, किस तरह से इस रिजल्ट तक अराइव हुए होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। आप भी इसको करके देख सकते हैं। एक आप बड़ा सा कोई टब ले लीजिए, ठीक है, टब के अंदर एक बाल्टी टाइप की ले लीजिए और आपको वेइंग मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, ये एक वेइंग मशीन ले लीजिए और इसको लबालब भर दीजिए, ठीक है लबालब भर दिया आपने। अब आप एक टुकड़ा ले लीजिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसको किसी भार मशीन पे तौल लीजिए हवा में, ठीक है हवा में तौल लीजिए। मैं समझा रहा हूं कैसे सोचा होगा उन्होंने, हवा में तौल लीजिए, तौल लिया आपने इसका कुछ वजन आया, अब आप क्या करें इसको पानी में डाल दें। जब पानी में डालेंगे तो जितना भी इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक, पानी में डालें जाके सीधा वेइंग मशीन पे गिरेगा तो वेइंग मशीन कुछ रीडिंग बताएगी, वेइंग मशीन की रीडिंग नोट कर लें, हवा में रीडिंग नोट कर लें, और ये जो पानी ओवरफ्लो किया था उसको अलग से तौल लें। जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ होगा उतना ही ओवरफ्लो करेगा, तो जो ओवरफ्लो पानी है उसको अलग से तौल लें। तो देखा यह गया था कि जो भार में कमी आई होगी, इसका भार हवा में, इसका भार पानी में, भार में जो कमी आई होगी वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होगी। इसी को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोला गया कि जब भी किसी बॉडी को हम फुली या पार्शियली ठीक है किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसके वेट में लॉस होता है, और ये वेट का लॉस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। मैं इस बात को नोट कर देता हूं, व्हेन एवर ए बॉडी इज फुली और
पार्शियली वेन एवर ए बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड या फ्लूइड भी बोल सकते हैं, मतलब ये सबके लिए सही है, लिक्विड में बोल रहा हूं लेकिन ये फ्लूइड के लिए भी सही है. वेन एवर हाँ ए बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस ए लॉस इन वेट. It experiences a lot loss in weight whenever a body is fully or partially immersed in a liquid. Immersed in liquid, it experiences a loss in weight. This loss of weight is equal to the weight of the liquid displaced. Of the liquid displaced. Displaced. Whenever a body is fully or partially immersed in a liquid, it experiences a loss in weight. This loss of weight is equal to the weight of the liquid displaced. ठीक है, ये जो भार में कमी है, this loss of weight is equal to the weight of the liquid displaced. ये जो भी liquid displaced हुआ है, उसके बराबर आ जाएगा. ठीक है. तो ये आर्किमिडीज का नियम है. मतलब कुछ इसमें नई बात हमने बताई नहीं, वही बायोएंसी की डेफिनेशन बताई है. ठीक है कि जो बायोएंसी होता है वीएस इंटू रोएल इंटू जी जी के बराबर होता है. लेकिन उस समय तक बायोएंसी और अपथ्रस्ट ये सब कुछ नहीं था, उस समय उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया. ठीक है, अब एक छोटा सवाल करते हैं. सवाल में लिख रहा हूं, लिखे ए गोल्ड क्राउन वेज 50 A gold crown weighs 54 gram in air and 51 grams in water. Identify by if it is pure gold, identify if it is pure gold or not. Gold crown जो है हवा में 51 ग्राम है उसका वजन, हवा में 54 ग्राम है 54 ग्राम और पानी में उसका 51 ग्राम है. तो आपको बताना है कि प्योर है कि नहीं है. इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो दे रखा है वो दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ गोल्ड दे रखा है 20 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि जो काम आर्किमिडीज ने किया था, ठीक है, वो काम आपको करना है. आप बोले, आप क्या कह रहे थे? बोला है ना गोल्ड क्राउन वेज 54 ग्राम्स इन एयर, हवा में 54 ग्राम एंड 51 ग्राम्स इन वाटर. आइडेंटिफाई इफ इट इज प्योर गोल्ड और नॉट, शुद्ध सोने का बना है कि नहीं है, इस बात की पहचान करें. तो देखिए इसके अंदर ये जो गोल्ड क्राउन है इसका हवा में जो वजन है वो 54 ग्राम है और पानी में 51 ग्राम है. तो आर्किमिडीज में यही बताया था कि जो लॉस इन वेट होता है, जो भी लॉस इन वेट होगा, तो भार में कमी कितनी आ गई, 54 माइनस 50 3 ग्राम के बराबर आए. तो जो भी लॉस इन वेट होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है. तो ये हो जाएगा वीएस, लिक्विड पानी है तो डेंसिटी 1 होगी इंटू जी. तो जो वॉल्यूम आएगा इसका, जो सबमर्ज वॉल्यूम आ गया वो 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. हम सीजीएस में काम कर रहे हैं. ठीक है, ये आ गया इसका वॉल्यूम. अब इसका वॉल्यूम ही आ गया और मास इसका 54 ग्राम है, हम जानते हैं हवा में जो वजन है वही उसका मास है. तो मास 54 है और वॉल्यूम इसका 3 सेंटीमीटर क्यूब है. तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी? डेंसिटी आएगी मास अपॉन वॉल्यूम, 54 अपॉन 3. तो डेंसिटी कितनी आ गई? 18 ग्राम पर सेंटीमीटर. अगर ये शुद्ध सोना होता, ठीक है, तो डेंसिटी 20 आती, लेकिन इसकी डेंसिटी 18 आ गई, तो इसका मतलब ये शुद्ध नहीं. हमने ये निकाल लिया कि इसका वॉल्यूम कितना है, मास उसका पहले से पता था, तो डेंसिटी हमने निकाली तो 18 आई. अगर शुद्ध होता तो डेंसिटी जो है वो 20 आ जाती. कोई डाउट इसमें? एक इसी में और सवाल बनता है, उसको भी मैं यहीं पे करा दे रहा हूं.
कोई मुझे ये भी बता रहा था कि जो आर्कमिडीज के जमाने में जो सुनार था वो इंडिया से गया था क्योंकि इंडिया सोने का, इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे ना, इंडिया में सोने को बना के लोग बेचने ले जाते थे। तो खैर, अब इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है द क्लेवर ज्वेलर, द क्लेवर क्लेवर ज्वेलर आर्ग्यूज दैट, द क्लेवर ज्वेलर आर्ग्यूज दैट द क्राउन इज प्योर बट देर आर सम एयर कैविटीज इन इट, इन इट द क्लेवर ज्वेलर आर्ग्यूज दैट द क्राउन इज प्योर बट देर आर सम एयर कैविटीज इन इट, एज्यूमिंग his argument, assuming his argument to be true, assuming his argument to be true, find the volume of the cavity. जो चालाक जोहरी था उसने कहा कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन हमारा एकदम शुद्ध सोने का है, बस उसके अंदर कुछ एयर की कैविटीज अंदर आ गई है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी थोड़ी कम आ जा रही है, जो अंदर से खाली हो गया वो। तो आपको यही बताना है कि जो एयर कैविटीज हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, एयर की डेंसिटी हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर ये मान लिया जाए कि भाई सच में वो जो ज्वेलर है वो सही बोल रहा है, तो उस कंडीशन में देखो इसका जो वॉल्यूम आया था वो तो 3 सेंटीमीटर क्यों आया था। अगर हम उसमें सिर्फ सोने सोने का वॉल्यूम देखें, कैविटी का ना देखें, तो सोने सोने का जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर जाएगा, 54/20। सोने का मास तो एयर का है नहीं, मास तो पूरा सोने का ही है और जो डेंसिटी सोने की है 20, तो सोने सोने का जो वॉल्यूम आएगा वो 2.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और उसका वॉल्यूम कुल मिला के 3 आ रहा था, 0.3 जो है वो एयर कैविटीज का वॉल्यूम होगा, तो कैविटी का वॉल्यूम हो जाएगा 3 - 2.7 = 0.3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसी क्वेश्चन के अंदर अगला जो पार्ट आता है वो ये आता है कि जो जौहरी था उसने जब दिमागी खुराफात करी और बताया कि एयर की कैविटी ऐसा वैसा है और जस्टिफाई कर दिया, लेकिन राजा को फिर भी डाउट रहा, राजा जो है उसको फिर भी डाउट रहा कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो राजा ने क्या किया, फिर उसको काफी उसको साइकोलॉजिकली इमोशनली फिजिकली टॉर्चर किया, काफी ज्यादा उसको परेशान किया और परेशान करने के बाद वो जो ज्वेलर है वो स्वीकार कर लेता कि नहीं नहीं भाई हमने इसके अंदर कॉपर मिक्स किया था। ठीक है, मारपीट करने के बाद या जो कुछ भी है मतलब वो करने के बाद वो मान लेता है कि उसने कॉपर मिक्स किया है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, द ज्वेलर एक्सेप्ट दैट ही हैज मिक्स्ड सम कॉपर के लिए की जो डेंसिटी आती है लगभग आती है 10 grams per centimeter cube। द ज्वेलर एक्सेप्ट दैट ही हैज मिक्स्ड सम कॉपर, फाइंड द मास ऑफ द कॉपर, फाइंड द मास ऑफ द कॉपर। जो ज्वेलर है मारपीट कर साइकोलॉजिकली इमोशनली फिजिकली टॉर्चर करने के बाद मान लेता है कि उसने कुछ कॉपर इसमें मिलाया हुआ है, और सही बात यह कि सोने के जो आभूषण बनते हैं बिना कॉपर ना मिलाओ तो बनते ही नहीं, उनके अंदर प्योर से बनते ही नहीं है। द ज्वेलर एक्सेप्ट दैट ही हैज मिक्स्ड सम कॉपर, कॉपर की डेंसिटी दे रखी है, फाइंड द मास ऑफ द कॉपर, तो कॉपर का मास, कॉपर का मास बताओ। तो कॉपर का मास पता नहीं कितना है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि पूरे कॉम्बिनेशन का जो वॉल्यूम है वो 3 है, तो पूरे का वॉल्यूम 3 है, तो 3 बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का मास मैं x मान लेता हूं, तो कॉपर का मास अगर x है तो वॉल्यूम बराबर होगा कॉपर का मास अपॉन कॉपर की डेंसिटी।
अगर कॉपर का मास x है तो सोने का मास होगा 54 माइनस x, कुल मास 54 ग्राम है, तो सोने का मास होगा 54 माइनस x अपॉन सोने की डेंसिटी 20, ठीक है। अब मैं इस पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 60 इज इक्वल टू 2x प्लस 54 माइनस x, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 ग्राम आ जाएगी, तो जो कॉपर का मास होगा वो 6 ग्राम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, दोनों का वॉल्यूम मिला के वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड 3 के बराबर था। अब कॉपर का जो वॉल्यूम होगा वो कॉपर का मास अपन कॉपर की डेंसिटी, गोल्ड का वॉल्यूम होगा गोल्ड का मास अपन गोल्ड की डेंसिटी, सॉल्व करेंगे तो 6 ग्राम के बराबर इसके अंदर कॉपर आ जाएगा।